मैं हूं आपके साथ रूपल शर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। कुम्हेर की ग्राम पंचायत सैथ के ग्रामीणों ने गांव में अवैध रूप से हो रही शराब बिक्री को रुकवाने की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय के बाहर लोटन सिंह के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी वर्षा मीणा को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को दिए ज्ञापन में बताया है कि गांव में जगह जगह गुपचुप तरीके से शराब तस्करों द्वारा शराब बेची जा रही है, जिससे गांव में अशांति का वातावरण बना हुआ है। इस मामले में पुलिस से सख्त कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। हमारे गांव सैथ में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत के लिए खतरा है और हमारे जन समूह के लिए खतरा है। और वो लोग जब हम मना करते हैं तो वो लोग हमें धमकियां देते हैं, हमारे बच्चों को भटकाते हैं, ये कहते हैं गोली मार देंगे, हम छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कर देंगे। अवैध शराब वालों के ये बयान है, इसलिए हम एसडीएम साहब के लिए ज्ञापन देने। नगर पालिका बांदीकुई में बनाए गए मनोनीत पार्षदों के सम्मान का सिलसिला अभी जारी है। वहीं सभी पार्षदों का जगह जगह सम्मान किया जा रहा है। सम्मान की कड़ी में मनोनीत पार्षद राखी जैन अपने परिवार के साथ जयपुर पहुंची। वहां क्षेत्रीय विधायक जीआर खटाना व उनकी धर्मपत्नी पूर्व जिला प्रमुख गीता खटाना का माला पहनाकर व गुलदस्ता भेंट कर सम्मान किया गया। भास्खो कस्बे स्थित क्षेत्रपाल में राजकीय माध्यमिक विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान छायादार व फलदार लगभग 200 पेड़ लगाए गए। सभी स्टाफ के कर्मचारियों ने पेड़ पौधों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली व सभी को जागरूक करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। बीकानेर में मदरसा मेड़तियान सिलावट में सिलावट समाज की मीटिंग का आयोजन किया गया। बिदासर में सिलावट समाज का दूसरे सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, इसको देखते हुए तमाम सिलावट समाज के साथ मीटिंग की गई। बीकानेर सिलावट समाज के अध्यक्ष जनाब गोस मोहम्मद बल्की साहब ने मीटिंग की शुरुआत करते हुए कहा कि यह सम्मेलन समाज में फैल रही कुरीतियों को खत्म करने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये पूरे सिलावट समाज को एक करने का काम करता है। जयपुर के प्रताप नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फर्जी पत्रकार बनकर लोगों से चौथ वसूली व रंगदारी वसूलने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी बलवीर सिंह कसवा ने बताया कि फर्जी पत्रकार बनकर लोगों से चौथ वसूली व रंगदारी वसूलने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी खुद को न्यूज चैनल का रिपोर्टर बताकर एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उसको धमका रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक कैनन कंपनी का कैमरा व दो आईडी कार्ड भी बरामद किए हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए टीपीवी न्यूज़।